और यूक्रेन में आज बातचीत। 5 दिन से चल रहे युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन आज बातचीत से मुद्दे को हल करने के लिए राजी हो गए हैं। बेलारूस ने कहा है कि उसने यूक्रेनी और रूसी प्रतिनिधिमंडलों के बीच वार्ता की मेजबानी के लिए एक स्थान तैयार किया है। यूक्रेन ने राजनयिकों को यूक्रेनी बेलारूस सीमा के पास एक स्थान पर भेजने के लिए सहमति व्यक्त की है। इस रिपोर्ट के बावजूद कि देश के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको आक्रमण में शामिल होने के लिए सेना भेजने के लिए तैयार है। बेलारूसी विदेशी मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर रूसी और यूक्रेनी झंडों के साथ एक लंबी मेज की तस्वीर जारी करते हुए कहा, बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता के लिए जगह तैयार कर ली गई है, प्रतिनिधिमंडलों के आने की उम्मीद है। देश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनातोली ग्लेज ने कहा, जैसे ही सभी मंत्रिमंडल बैठक स्थल पर पहुंचेंगे बातचीत शुरू हो जाएगी। यूक्रेन ने बैठक में कोई आधार नहीं देने की कसम खाई है और उसके राष्ट्रपति व्लोडिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि वार्ता से कोई परिणाम निकलेगा।